अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की ये फैट डाइट सीरीज चल रही है, और फैट डाइट्स उन डाइट्स को कहा जाता है जो कि नॉन साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस करके बनाई जाती हैं। यानी सादा अल्फाज में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका मतलब है कि ऐसी तमाम डाइट्स जिनके बारे में हमारे पास कोई साइंसी तहकीक खास नहीं होती और इनके जो असरात हैं ज़्यादातर वो हमारी ज़िंदगी पर या हमारी सेहत पर वो कोई अच्छे नहीं होते। अगर हमें इनसे कोई फ़ायदा मिलता भी है तो वो बहुत ही कम देर के लिए, बहुत ही वक्ती फ़वाद होते हैं, और उसके बाद ये इस तरह की डाइट्स का इस्तेमाल हमारे लिए इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित होता है। सो आज जिस फैट डाइट की हमने बात करनी है वो है रॉ फूड डाइट। यानी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस तरह की डाइट के अंदर हम कच्ची ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। बेसिकली ये जो रॉ फूड डाइट है, इसको खाने से, इसको कंज्यूम करने से फ़ायदा ये होता है कि ट्रांस फैट्स डाइट में कम जाते हैं, सेचूरेटेड फैट्स कम जाते हैं। इसके अलावा कैलोरीज यानी एनर्जी जो है वो हमें कम मिलती है, जिसकी वजह से ये दावा किया जाता है कि वेट लॉस के अंदर, वजन कम करने में ज़्यादा बेहतर मदद मिलती है। इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो किसी हद तक कंट्रोल रह सकते हैं, हमारी जो निज़ामी इंतज़ाम है, डाइजेशन है, वो बेहतर हो सकता है। जैसे मैंने कहा, वज़न की कमी के अंदर ये मौसर साबित हो सकती है, और इसी तरह से डायबिटीज़ यानी ज़ियाबीतस, और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी दिल के जो आर्जे हैं उनके होने का चांस भी हमें किसी हद तक कम हो सकता है। जो फूड इसके अंदर हम कंज्यूम करते हैं, जो खाने हम खाते हैं, उनके अंदर वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल, इसी तरह से लेग्यूम्स, नट्स हो गए, सीड्स, बीज हो गए, और जनाब इसके साथ साथ बीन्स यानी फलियाँ, फिर इसी तरह से ग्रीन्स, चने यानी जो है ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवा जात, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट जूसेस या वेजिटेबल जूसेस, फलों और सब्जियों के जूस, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। पकी हुई चीज़ें इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जो मसाइल इस तरह की डाइट इस्तेमाल करने से हो सकते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा तो ये है कि आपको क्रेविंग्स होती हैं, यानी आपको बहुत शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है उन फूड्स को इस्तेमाल करने की जो हम अपनी रोज़ाना की डाइट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन जितने पके हुए खाने हैं वो ज़ाहिर है इस तरह की डाइट फॉलो करते हुए हम नहीं खाते, तो उनकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, कै और मतली बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसी तरह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कमी हमें हो सकती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम जो है वो कैल्शियम, इसके अलावा वाइटामिन डी, फिर आयरन, वाइटामिन B12 और जनाब इसी तरह से प्रोटीन, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है ऐसे लोगों के अंदर जो रॉ फूड डाइट का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रॉ फूड डाइट बढ़ती हुई उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी काबिले इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह ऐसी खवातीन जो हमल में हों उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर ऐसी खवातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, और ऐसे तमाम अफराद जो आयरन की कमी का शिकार हैं, फौलाद की कमी का शिकार हैं, उनके लिए भी ये ग़िज़ा किसी तौर पर काबिल इस्तेमाल नहीं है। सो ऑल इन ऑल जो मेरा कंक्लूजन है वो यही है कि रॉ फूड डाइट कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वज़न में कमी करनी है तो उसके लिए जो साइंटिफिक तरीका है, जिसके अंदर आप पोर्शन को कंट्रोल करते हुए चलते हैं लेकिन हर चीज़ को आप खा रहे होते हैं, वो बेहतरीन तरीका है वज़न कम करने का। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स के थ्रू भी मुझे बताइएगा। सबसे बढ़कर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, सो दैट बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें, सो आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।